राजस्थान के जो चुनाव हैं उनके लिए पर्यवेक्षकों के लिए आग्रह किया था पार्टी ने कल, और हमने भी आग्रह किया था, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे आशा थी कि 200 विधानसभा हैं तो कि 200 के आसपास हमें पुराने साथी कार्यकर्ता मिलेंगे। 650 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, और उसमें महिला विंग, किसान विंग, आप यूथ विंग, CYSS, लीगल विंग, RTI विंग, ट्रेडर्स विंग, इन सब के पर्यवेक्षक साथी तैयार हुए। कल से लोग बाग राजस्थान जा रहे हैं, मैं स्वयं भी एक बार बीच में जाऊंगा और 25 को वहीं रहूंगा। 25 को संगठन की वहां पहली उन साथियों के साथ मीटिंग होगी, उनके प्रतिनिधि भी आज मौजूद थे, और मुझे लगता है कि पिरामिड स्ट्रक्चर पर संगठन खड़ा करना जो हमारे पहली प्राथमिकता है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर वहां सर्वश्रेष्ठ संगठन खड़ा कर देने की जो प्राथमिकता है, उसमें दिल्ली के सारे जो हमारे साथी हैं उनका सहयोग मिल रहा है। और आज की मीटिंग से अद्भुत उत्साह है, जहां से हमने संकल्पना ली थी कि आखिरी कार्यकर्ता तक पहुंचकर उसकी इच्छा अनिच्छा के अनुसार संगठन तैयार करना और टिकट वितरण तक में उसकी सहमति असहमति का स्थान देना, वहां पर पार्टी राजस्थान में काम कर रही है। इसके लिए लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, और मैं आशा करता हूं कि पार्टी ने जो राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उनकी आशा के अनुकूल खरा उतर पाऊं। जमीन पे बैठ के आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, पहली बार देखा गया है। मुझे लगता है कि आपने सदा मुझे तो देखा होगा कि मैं तो जमीन पे ही रहा ना, तो मैं तो किसी सिंहासन पर ना बैठा हूँ ना बैठूंगा, तो जमीन पर ही था। कार्यकर्ता यही चाहता था, और आज आपने देखा होगा विशेष रूप से कि 650 लोगों में से लगभग 300-400 वो लोग हैं जो आंदोलन के पहले दिन से हमारे साथी हैं, तो संघर्ष का उन्हें अभ्यास भी है, संघर्ष का सम्मान भी है, और उन्हें बताया कि प्रभारी प्रक्रिया से बाहर निकलकर पर्यवेक्षक प्रक्रिया में आना है। हम वहां किसी आधिकारिक रूप से नहीं जा रहे, हम राजस्थान के अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ उनके पीछे खड़े होने के लिए जा रहे हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी की रीति नीति व्यवहार और पार्टी का मूल चरित्र सिद्धांत उसको हम आपको बीच बीच में याद दिलाते हैं। निश्चित रूप से नेशनल एग्जीक्यूटिव में इस बात का आश्वस्ति लेने के बाद सर्वसम्मति से, तभी मैंने अगली मीटिंग 2 दिन बाद बुलाई थी, 1 महीने मैंने इसीलिए काम नहीं किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था पार्टी से कि क्या हम केवल संगठन बनाएंगे या चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी ने मुझे कहा कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे, इससे तैयारी करिएगा, और उन्होंने ये भी कहा पार्टी ने कि जो आपके प्रश्न होते हैं, आपकी जो शंकाएं होती हैं संगठन में कामकाज को लेकर, आप कम से कम एक प्रदेश लेके वहां कामकाज ऐसा करिए जिससे हम भी फॉलो कर सके, हमें अच्छा लगे। तो फॉलो तो नहीं, पार्टी जहां पहले चुनाव में थी और जो उसका मूल चरित्र था और है, हम उसी के अनुसार वहां संगठन का निर्माण करें। आपने बात करी कि राजमहली कल्चर आ गया है, नहीं देखिए ये सब तो कहने की बात है, जब आप संघर्ष में होते हैं तो आप सत्ता में भी आते हैं, सत्ता से भी बाहर रहते हैं। मूल बात यह है कि सत्ता से बाहर और सत्ता के अंदर आपका चरित्र नहीं बदलना चाहिए। अगर आज आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठ के सुख मिला, बातचीत करी, उन्होंने सुना, प्रश्न उत्तर किए, पार्टी इन सिद्धांतों पर चलिए, स्वराज के सिद्धांत पर बनिए, इसका पालन करिए। बहुत अहम मैच है, कुमार 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 बहुत अहम मैच है, ये लोग